स्लैब टीवी। जी हाँ, जैसे कि हम सभी ने देखा कि साल 2020 हम सभी के लिए बहुत चैलेंजेस भरा रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हमने फेस की, अप डाउन्स आए लाइफ में काफी ज्यादा। और आज टाइम्स में जो आपकी टीम पहुंची है लुधियानवीज के फेवरेट स्वीट शॉप लायलपुर स्वीट्स पे, जहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बार लोहड़ी फेस्टिवल बिल्कुल पास है, नजदीक है, तो हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी स्पेशली वो इस ट्रैक्टर की तरफ जरूर फोकस करें, जिसमें आपको लोहड़ी की सारी स्वीट्स नजर आ रही होंगी। जो फेवरेट स्वीट्स है यहाँ की, गजक बुका, लायलपुर स्वीट्स की काफी ज्यादा फेमस है ये, हम सभी की फेवरेट है गजक एंड बुका। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बार बना हुआ है लोहड़ी फेस्टिवल पे इस स्वीट शॉप पे, वो है ट्रैक्टर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, और स्पेशली आई थिंक ये उन्हीं को डेडिकेट किया जाएगा इस बार, कि ये बहुत ही यूनिक सा कंसेप्ट लेके आए हैं कि जैसे कि लोहड़ी फेस्टिवल पे हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने ट्रैक्टर्स को लाइट से, फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, और इस बार इन्होंने स्वीट्स से डेकोरेट किया इस ट्रैक्टर को। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम आपको मिलवाते हैं इनके ऑनर मिस्टर कपिल खरबंदा जी से। सर हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? जैसे हमने बताया कि 2020 काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस भरा रहा, हम सभी के लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि 2021 जो साल आया है वो सबके लाइफ में काफी ज्यादा खुशियों भरे रंग लेकर आए। पहली सही बात है जी, ये तो 2020 जो है कभी बुलाया नहीं जा सकता जिंदगी में, ये है 2021 आया, वो सभी देशवासियों को, पंजाब वासियों को लिए शुभ मंगल हो, हमारी यही मनोकामना है। जैसे कि आप हर बार हम देखते हैं आपकी स्वीट शॉप पे हम आते हैं तो बहुत डिफरेंट सा, हर बार नया कुछ लेके आते हैं, तो इस बार हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पे आपने फोकस किया है, जो आपकी स्पेशलिटी है यहाँ की गजक बुग्गा वगैरह वो आपने इस ट्रैक्टर पे हाईलाइट किया है, तो आप बेसिकली इससे क्या शो करना चाहते हैं? ऐसा है जी, आजकल भाई कस्टमर जो है वो नई चीज़ मांगता है, कोई खाने के लिए बनाओ अच्छी, कोई नई चीज़ बनाओ, ऐसे ही गिफ्ट कुछ बनाना है तो नई चीज़ मांगता है। उस तर्ज पर मैंने देखा भी आंदोलन जो है दिल्ली में बहुत चल रहा है, लोगों ने अपने ट्रैक्टरों के ऊपर इतना पैसा लगाया, जट जिमीदारों ने जो आंदोलन में गए हुए हैं उन्होंने इतना पैसा लगाया, वो वहाँ पर लोगों ने ट्रैक जो है ना जो बने हुए हैं ट्रैक्टर ट्राली वो आकर्षण केंद्र बना हुआ लोगों के लिए, वहाँ पर लोग स्पेशल वहाँ पर जाते रहे देखने के लिए, तो उसकी तर्ज पर मैंने यहाँ पर एक ट्रैक्टर बाजार से बनवाया, तैयार कराया, उसके ऊपर मैंने इसको यानी कि उसके ऊपर दो सीटें जो बनी आगे देखो आप, उसमें दो सवारी बिठा दी, उसमें हमने गचक के डब्बे बना दिए, हमारी एक गचक जो है वो काजू पिस्ते वाली स्पेशल गचक है, और एक रेवड़ी है ये भी स्पेशल है, उसके पीछे मैंने इसकी ट्राली लगवा दी है, जैसे लोगों ने ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगाई होती है, तो उस ट्राली में एक तो मूंगफला है बढ़िया क्वालिटी का, और एक हमारा गुड़ गचक है जो बादाम और काजू की गचक होती है, वो शुगर फ्री आदमी भी जो जिसको शुगर का पेशेंट हो वो भी खा सकता है, एक मेरे पास उसमें हमने गुड़ रखाया है जो कोरोना की यानी कि कोरोना को देखते हुए जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वैसे तो वो गचक जो है बादाम वाली वो भी बढ़ाती है, साथ में ये गुड़ जो है वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसको सभी चीज़ों को मैंने रख कर इसको शो बनाया है। आजकल यानी कि इस ट्रैक्टर का जोर होने के कारण लोग स्पेशल हमारी दुकान पे आते हैं इसको देखने के लिए, और ये हमारी दुकान का इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत डिफरेंस है ये हमें देखने में लग रहा है, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि और भी हमने काफी गिफ्ट हैम्पर्स देखे हैं जिसमें पंजाबी कल्चर को आपने प्रमोट किया है, एक गिफ्ट हैम्पर में हमने चरखा भी प्रॉपर देखा है, तो आप उससे भी जुड़ के रहना चाहते हैं कि पंजाबी कल्चर की, हमारी पंजाबी सभ्यता को लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल भूले ना? देखो जी, जो लोहड़ी का त्यौहार है ना वो पंजाबियों लिए बहुत वधिया त्यौहार है, यानी कि पंजाबी त्यौहारों नूं बहुत वधिया ढंग नाल मनांदे है, वैसे तो दिल्ली यूपी होर भी स्टेटा दे विच त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन लोहड़ी का त्यौहार जिहड़ा हैगा पंजाबी नाल टच है, इस करके मैं पंजाबी नूं यानी कि पंजाबी सभ्यता नूं वो बरकरार रखने वास्ते, ताकि उहदी जिहड़ी परंपरा है वो नीचे ना जावे, उसनूं बरकरार रखने वास्ते मैं इहदे च अपना जिहड़े हैम्पर बनाए ने उहदे च मैं चरखा दिखाया है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਚਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। अच्छी बात कही है, जाते जाते हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो अभी आपको लगता है कि आपका जो रनिंग बिजनेस चल रहा है इस टाइम और आप नए नए कंसेप्ट्स लेके आते हैं, कि आपको कहीं भी किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ा? नहीं, ऐसे है देखो, इसको ट्रैक्टर को बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा
काफी घूमना पड़ा इसको ढूंढने के लिए। वैसे तो बाजार में बढ़िया ट्रैक्टर मिलते हैं, लेकिन मैंने उस ट्रैक्टर को जहाँ जो बनाते हैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ से मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराया। मॉडिफाई कराने के बाद कुछ उन्होंने बनाया था उसमें सफाई दी, वहाँ मार्केट में मिलते हैं वो सफाई नहीं होती, इसको ऊपर कलर अच्छा नहीं लगा होता, मैंने सर उसके ऊपर कलर भी अच्छा लगवाया, बाकी हमारे आदमी हमने इसको डेकोरेट किया, इसको पंजाबी स्टाइल में दे दिया, ये ऊपर हमने पुम पुम लगा दी, ऐसे उसको बनाकर उसको बढ़िया बना दिया है। तो जिस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप लेके आ रहे हैं, पंजाबी कल्चर भी प्रमोट हो रहा है, पंजाबी सभ्यता भी नजर आ रही है आपके गिफ्ट टेंपल्स पे, तो लोगों की डिमांड किस तरीके से, लोग किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं सारे गिफ्ट टेंपल्स को? देखो जी, इस समय तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, जिसका भी लोहड़ी बांटनी है, जिसने किसी को गिफ्ट देना है तो इसको जरूर पसंद करता है, वो आता है इसको लेके जाता है, अच्छी डिमांड चल रही है इसकी। आपने पहले बताया था कि गुड़ से आप जो स्वीट्स है रेडी करवाते हैं, बिकॉज हमने देखा कि आजकल लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं और लोगों को होता है कि हम कुछ ऐसा मतलब चीजें खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, तो आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को रेडी करवाते हैं? ऐसे जी, हम आजकल वैसे भी गुड़ का जमाना है, चीनी लोग कम खाते हैं, वैसे तो चीनी बहुत बिकती है मार्केट में, लेकिन एक रिवाज भी बन गया है चीनी कम डालना, तो मैंने कहा चीनी कम डालने के बजाय गुड़ का ही काम शुरू करो, भी गुड़ के वैसे भी लोग गुड़ की खाते हैं। देखो आजकल ना, पहले किसी समय आज से साल के पहले तिल की गचक बहुत बिकती थी, आजकल जो तिल की गचक की थोड़ी डिमांड कम हो गई है, लोग मूंगफली की गचक खाने लग पड़े हैं, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा, अभी ना ही वो मूंगफली की गचक कोई बुरी है, लेकिन थोड़ा सा मूंगफली होने के कारण उसमें हम थोड़ा सा उसको देख सकते हैं भी, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं जो डॉक्टर के हिसाब से, जो तिल है तिल गर्म होते हैं और गर्म होने के कारण ये बच्चे बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और ये वो बच्चा या वो बुजुर्ग जिसको रात को बाथरूम बीच में आ जाता हो, सोए बच्चे का बाथरूम निकल जाता हो, ये गचक खाने से उसके बाथरूम में ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है, बुजुर्गों का कहना है, तो उसकी तर्ज पर ही हमने, मैं आप सबको अपने ग्राहकों को यही अपील करूंगा भी आप तिल की गचक भी खाओ, मूंगफली गचक तो बिकती है, तो जो पिछले साल से तिल की गचक थोड़ी डिमांड कम हुई है तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं लोगों से यही अपील करूंगा भी तिल की गचक खाओ जो कि फायदेमंद है, वैसे तो मूंगफली भी फायदेमंद है, उससे वजन भी कम होता है, जो लोग जिम जाते हैं उसमें मूंगफली खाते हैं तो उसमें उसके यानी कि प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, ये चीज। आपने अपनी तरफ से एक हेल्दी टिप भी दे दी सारे लुधियानवी को, जाते जाते हम यही चाहते हैं कि अपनी टीम की तरफ से, एंटायर टीम की तरफ से, लाइलपुर स्विच की टीम की तरफ से सभी को आप न्यू ईयर एंड लोहड़ी की विशेष दे दीजिए। देखो जी, हमारी तरफ से, लाइलपुर स्वीट की तरफ से, लाइलपुर परिवार की तरफ से, आप सबको, देशवासियों को, पंजाब वासियों को, हमारे कस्टमरों को नए साल और लोहड़ी की शुभ शुभ कामनाएं। मैं जाते जाते एक संदेश जरूर देगा, लेकिन लोग आजकल, पहले तो लोग लड़कों की लोहड़ी मनाते थे, आजकल धीयों की लोहड़ी जो है वो बहुत मनाई जा रही है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ भी लोगों को, क्यों आजकल बच्चे दो हैं, दो के कारण एक लड़का एक लड़की, लड़कों की लोहड़ी तो मनेगी लेकिन धीयों की लोहड़ी भी आजकल लोग मना रहे हैं, और मैं यही अपील करूंगा भी लोग और धीयों की लोहड़ी को, बेटी की लोहड़ी को और मनाएं, ताकि बेटी जो है वो बाप और माँ बाप का अच्छा रोल अदा करती है। अच्छा मैसेज दिया सर आपने, थैंक यू सर चैनल को टाइम देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लाइलपुर स्वीट्स के ऑनर मिस्टर कपिल खरबंदा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस डिलीवर किए सारे लुधियानवीज को, और सबसे बड़ी बात की ये ट्रैक्टर तो हमने आपको दिखाया, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस बार और बहुत ज्यादा डिमांड में है, लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनके अच्छे अच्छे मैसेजेस सुनकर। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ, शिप्रा बस्तीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।